हेलो एंड वेलकम टू टीबी कुकिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूं शेफ तरुणा बिरला। आज हम बना रहे हैं नटीला पैनकेक। सबसे पहले पैनकेक के लिए हमें लेना है मिल्क। मिल्क जो है वो आपका ल्यूकवॉर्म होना चाहिए, गुनगुना दूध कंपल्सरी है। हाँ, उसी में हम डालेंगे बटर। बटर हमारा जनरल जो सॉल्टेड बटर होता है वही मैंने लिया है। इसकी गर्मी से जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसको हम करेंगे साइड। इसके बाद हम करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स। उसके लिए हमें लेना है यहाँ मैदा। उसी के साथ हम उसमें डालेंगे पाउडर शुगर, उसी के साथ हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पिंच हमारा सोडा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो दूध में बटर डाला था उस मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे। मेक श्योर कि जो बटर है आपका वो अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। इसमें दूध अगर आपका ल्यूकवॉर्म होगा तो बहुत इजीली वो मेल्ट हो जाएगा। अभी हम पोर करेंगे हमारा मिल्क और इसका एक बेटर बनाएंगे हम अच्छे से। जो मिल्क की क्वांटिटी मैंने दी है वो थोड़ा में भी उसमें कम हो सकता है, तो आप उसके लिए और मिल्क यूज कर सकते हो। इजी पोरेबल स्टिल। आप देखोगे तो ये जो स्पून है इस पे पूरा टिका हुआ है, पूरा स्पून हमारा क्लीन नहीं हुआ है, पूरा स्पून पे लगा हुआ है, यानी कि इस पे लग भी रहा है लेकिन इजी पोरेबल है। ये कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब एक पैन लेंगे हम, पैन को गरम करेंगे। बहुत ज्यादा गरम पैन नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और अभी हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर थोड़ा सा। मेरा नॉनस्टिक पैन है इसलिए इसको ग्रीस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम इसको करेंगे कवर। अब हम इसको खुला ही पकाएंगे। अभी हम सर्व करेंगे हमारे पैनकेक्स। पैनकेक्स के लिए हमने नटीला पैनकेक बनाया है तो इसलिए हम यहाँ फिल करेंगे नटीला। जितना आपको नटीला खाना है उस हिसाब से आप लगा सकते हो। और हम रखेंगे यहाँ पे बनाना स्लाइस। बनाना पैनकेक के साथ बहुत अच्छे से टेस्ट देता है। कोई भी फ्रूट्स आप लगा सकते हो यहाँ पे। ऊपर से हम लगाएंगे हेजल नट्स। आपके पास जो नट्स है आप लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ नटीला कर रहे हैं तो अभी हम लगाएंगे हेजल नट्स। रेडी है हमारे पैनकेक।